जी हमारे साथ नुकेस कोखोसा मौजूद हैं और स्पेशली पीटीए की तरफ से ये बड़ा काम कर रहे थे और अब इनको एक अहदे से नवाजा गया है। वो हम इनसे पूछेंगे कि क्या अहदा है और इस वक्त पार्टी में ये क्या काम कर रहे हैं। जी नुकेस साहब बताइए। सर साजिद साहब बहुत शुक्रिया और नेशनल टीवी का बहुत शुक्रिया और आपका खास तौर पर आप बड़ी मोहब्बत करते हैं और अक्सर ही आपके साथ सियासी तौर पर बातचीत होती रहती है और ख़ास तौर पर कम्युनिटी के हवाले से बात होती रहती है। मुझे पीटीआई ने इस वक्त जो मिनोरिटी का सेंट्रल पंजाब का जो है वो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बनाया, मैडम शनीला रूत इस वक्त प्रेजिडेंट है, मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हूँ और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खुशाइन बात है कि मैं अपने लिए समझता हूँ कि मेरे ऊपर सारा जो पीटीआई की जी हायर हमारी अथॉरिटी है इमरान खान असद उमर और हमारे जो सेंटर के प्रेसिडेंट है जयप्रकाश, हमारे जो सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हैं अबकू गिल साहब, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मेरे पे इतमाद किया और मुझे खिदमत करने का मौका दिया। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम साजिद साहब के हमारा जो मिनोरिटी में खास तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अवेयर नहीं पॉलिटिकली, सियासत में उनका इतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बड़े जो अच्छे लोग हैं ना हमारे वो सियासत में आते नहीं है, वो इसको इस तरह से कहते हैं जी छोड़े ये क्या काम है ये। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप पाकिस्तान में अपने आप को मनवाने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए और अपने हकूक को उस तरीके से उनकी तकमील करने के लिए जब तक आप इस पर आएंगे नहीं, पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर घर बैठे हैं तो फिर तो जो पास होगा वो चीज़ें ले जाएगा, जब आप फील्ड में आएंगे, मैदान में आएंगे, उनके बराबर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी जो चीज़ें रह गई हैं, जो हम पीछे रह गए हैं, हम वो हासिल कर सकते हैं। और मैं ये अपने इस अहदे से डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं अपनी मसीही कौम जो है सियासी तौर पर उसको आगे लेके जाएं और आगे हम प्लान कर रहे हैं कि जो यंगस्टर आ रहे हैं उनके पॉलिटिकली एक सेमिनार किए जाएं, सियासी अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम किए जाएं, मैं आपको उसमें भी दावा दूंगा ताकि बच्चे आगे बढ़े। उन्हें मतलब शायद हमारे ऐसे भी बच्चे हों जिन्हें ये ना पता हो कि इस वक्त प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है कौन है, शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर कौन है। तो ये चीजें यंगस्टर जो है जो मैट्रिक के बाद तो इन बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे यंगस्टर जो है वो सियासी तौर पर अवेयर हों और आगे बढ़े, इसी तरह वसीयत मसीह को हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अरे जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप मोहतरमा जो सीनियर रूथ हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जिस तरह पिछले दिनों सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में एक कंपेन चली थी कि इन्होंने शेखुपुरा के अंदर कुछ नोटिफिकेशन जारी किए तो लोगों ने कहा नहीं हम इसका बायकॉट करते हैं, इस हवाले से क्या है कि वो भी उन दौरान है जिन्होंने इस कंपेन का हिस्सा बने हैं, क्या वजह ये है कि शायद वो उनके नोटिफिकेशन को मंजूर नहीं कर रहे? अच्छा उसमें ये है कि मैं देखिए बात ये है कि देखना ये होता है कि लीगल और इन लीगल, जो वो नोटिफिकेशन शेखुपुरा को हुआ उसमें टोटल सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी की गई हैं। उसमें सेंटर का जो सदर है, सेंटर पंजाब का सदर है वो मैडम शनीला रूत है और जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के सदर है वो इमरान कमल सईद हैं। उन दोनों की कोआर्डिनेशन के साथ वो नोटिफिकेशन हुआ है, जब पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं तो फिर अगर आप साजिद साहब आपका अगर किसी जगह नाम नहीं आया, आप अपनी जाती अपने तौर पर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या आप जाती तौर पर किसी चीज़ से मेरा आपका जाती इख्तलाफ है तो वो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे नज़दीक वो 100% लीगली नोटिफिकेशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का और आगे भी सारे डिस्ट्रिक्ट हम आगे चल के करने लगे हैं, पूरे जो हमारे सेंट्रल पंजाब के जितने 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो मैं उसका वजाहत कर दूँ वो बिल्कुल लीगली हुआ है, कानूनी हुआ है। और ये भी जो इन्फॉर्मेशन लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैंसिल होगा, नेवर, बिल्कुल कोई कैंसिल नहीं हुआ। वो जो उसमें सीक्वेंस आ रहा है 17 तक के नोटिफिकेशन हुआ है, मतलब 17 लोगों के, आगे और भी उसमें हम रखना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं आए उसमें और उसमें हम उस 18 से शुरू करके और भी करेंगे, लोगों को मौका देंगे हम, डेफिनेटली मौका देंगे हम और लोग करें उसमें, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो वैलिड है, कानूनी है, लीगली है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। जो लीगल होगा उस पर हम स्टैंड करेंगे और जो कुछ लोग ऐसे हैं एलिमेंट तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, जो मतलब नेगेटिविटी पर आना चाहते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना नुकेस कोखो साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और पार्टी ने हमें अहदे भी दे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जब अहदा मिल जाता है तो हर एक बंदे को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे अक्सरियत का हो, वो अपनी जो कौम के लिए कोई ना कोई काम करता रहता है। मेरा ख्याल है कि हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ इंतशार फैलाने से बेहतर है कि हम एक दूसरे का मिलकर काम करें
पार्टी में काम करें ताकि हम मिलकर कौम का कुछ ना कुछ कर सकें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरामैन तारिक पैरा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।